तो जमीन धंसने की वजह से कई मकानों को गिराया जाएगा, मगर उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी इन मकानों पर लगाई थी, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। तस्वीरें लगातार जोशीमठ से हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए। मैंने अपनी एक एक टाइम की दवाई छोड़कर हर एक चीज को छोड़कर के हमारे लिए अपने सपनों का महल बनाया था। देखा नहीं जाता है, यही पे हमारा बचपना बीता है। ये दर्द जोशीमठ के उन लोगों का है जिनकी आंखों के सामने ही उनके घर जमींदोज हो रहे हैं। जिस घर में बचपन बीता हो, परिवार के सदस्य सुख दुख में साथ रही हो, अब वही घरौंदा मिट्टी में मिलने जा रहा है। दरारें आने से क्षतिग्रस्त हुए मकानों को गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन का कहना है कि जोशीमठ को अगर बचाना है तो इन मकानों को गिराना पड़ेगा। एक तो जो रेगुलर हमारी कार्रवाई वही है कि जो डेंजर जोन्स, बफर जोन्स हैं, उनमें लोगों की शिफ्टिंग की जाए, उनको जो रिलेटिवली सेफ लोकेशंस हैं एज ऑफ नाउ, उसमें वहाँ लोगों को शिफ्ट किया जाए, उनको सभी रिलीफ सामग्री है, उनका जो भी सपोर्ट है वो किया जाए। साथ ही साथ एक जो CBRI की टीम है वो भी आज आ रही है, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होम डिपार्टमेंट की टीम लेड बाय सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट की टीम आ रही है, तो वो भी अपना इंस्पेक्शन करेंगे। जमीन धंसने की वजह से जोशीमठ में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कुछ घर तो अब रहने लायक ही नहीं बचे हैं, इसीलिए उन्हें गिराने में ही सबकी भलाई है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मंदिर भी है, तो यहाँ पर भगवान का मंदिर है। देखिए भगवान अभी यहीं हैं, लेकिन लोग यहाँ से जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए भगवान तो यहीं हैं अभी, लेकिन आप भगवान तो ये, अब भगवान भी जाएंगे। जब हम जा रहे हैं तो इंसान जा रहे हैं, हमारे भगवान भी तो जाएंगे। मगर लोगों के सामने परेशानी इस बात की है कि उनके जमा पूंजी इन मकानों में लगी है, इसलिए उनके लिए इससे बड़ा दर्द भला क्या हो सकता है। मायका है, और यही हमारा बचपना बीता, यही मेरे भाइयों ने मेरी शादी की, तीनों मेरे तीन भाई हैं, उन्होंने अपनी यही जिंदगी भर की कमाई यही वो कर दी। मेरे बड़े भैया लोग अपने बच्चों को मिलने बाहर जा रखे, उन्हें अभी यहाँ का वो अभी यहाँ पे नहीं पहुँचे। ये वही घर है जहाँ पर क्रॉस निशान लगा दिए हैं, ये सामने देखिए, ये बहुत सारे ये प्राइज मिले हुए हैं। मेरे भाई के बच्चों के प्राइज है, आज इस तरह से छोड़ के जाना पड़ा उन्हें, वो मायके जा रखे, मायके भेज दिया गया, छोटे बच्चे हैं। प्रशासन ने हाल ही में जारी किए आंकड़ों के मुताबिक जोशीमठ में अब तक 678 मकानों में दरारें आ चुकी हैं, जबकि 81 परिवार को शिफ्ट करना पड़ा है। कुदरती आपदा में 3500 लोग प्रभावित हुए हैं। आवास विभाग को, शहरी विकास विभाग को वहाँ पर जो मास्टर प्लान तैयार किया जाना जोशीमठ का, उसके संबंध में निर्देश दिए गए, उसकी कार्रवाई तत्काल, जो भी इम्पैनल एजेंसीज है जो कार्य कर रही है उत्तराखंड में आवास विभाग के साथ, उसको तत्काल उसको कार्य दिया जाए। इसके अलावा जो टो इरोजन हो रहा है नीचे अलकनंदा नदी के किनारे, नीचे जोशीमठ के नीचे टो इरोजन को रोकने के लिए जो सुरक्षा के कार्य, स्टेबलाइजेशन के कार्य होने चाहिए, उसके लिए तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की जाए, इसके निर्देश दिए गए। इसके लिए जो भी टेक्निकल संस्था है, TSDC हो या GSI हो, सबका सहयोग लिया जाए। ये भी आशंका जताई गई कि ये जो इस तरह से दरारें पड़ रही है, विद्युत के पोल हैं या अन्य चीज़ें हैं, विद्युत से के इक्विपमेंट्स, उसके कहीं गिरने से कोई हादसा न हो, इसके संबंध में भी पूरी सुरक्षा बरती जाए। जोशीमठ को बचाने के लिए अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में ऐसे कितने ही मकानों को गिराया जाएगा जो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और जिनमें रहना मुमकिन नहीं है। ABP गंगा के लिए जोशीमठ से रवि केंतुरा के साथ रणजीत रावत की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।